क्यूबलेस से कुछ भी खरीदने से पहले आप मेरा कोड गुरु यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको 50 रुपीज़ ऑफ मिलेगा एंड इस तरह आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सो हेलो गाइस, मैं क्यूबिंग गुरु और इस रूम में अनबॉक्स करने वाला हूँ 6 रुपीज़ क्यूब का। इन्हें मैंने ऑर्डर किया है 4 क्यूब बनाने के लिए। तो मैंने पहले भी एक 4 क्यूब बनाया था शाइनी क्यूब से, लेकिन किसी और ने कमेंट किया कि नॉर्मल क्यूब का जो है 4 क्यूब बना के दिखा, तो अभी उसका ही हम 4 क्यूब बनाएंगे। तो पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। और इसमें एक स्टैंड है, तो ये रहे हमारे 6 क्यूब्स। करती है जल्दी से अनबॉक्सिंग। तो ये रहे हमारे क्यूब, देखते हैं इनका परफॉर्मेंस कैसा है आउट ऑफ द बॉक्स। बहुत सा फास्ट है। सबसे पहले हम इनको खोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टाइट लग रहे हैं मुझे, तो इनको लूज भी करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। देखते हैं ऐसे निकलते हैं कि नहीं। ये निकल रहे हैं। ये हमारे सभी जो एज और कॉर्नर पीसेस सेपरेट हो गए। अभी हम जो सेंटर पीस है उनमें से कैप को निकालेंगे। तो अभी हमने सभी कुछ अलग कर लिया है। ये सेंटर पीस के कैप्स है, ये पीसेस है पूरे, इनको भी अभी हमें सेपरेट करना है। तो अभी हमारे सभी पार्ट सेपरेट हो चुके हैं। अभी हम जो एज और कॉर्नर है इनमें से एक कलर उठा के सिर्फ एक कलर के पीसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चूज करते हैं येलो वाला। तो चलो येलो के सभी सेपरेट करते हैं और येलो के एजेस और कॉर्नर्स बनाते हैं। तो ये सभी हमारे हैं। अभी इसमें हम येलो कैप लगाते हैं पहले। एंड ये फाइनल हमारा येलो क्यूब बन गया है। तो मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूँ आपको। ये है येलो क्यूब। परफॉर्मेंस इसका वैसा ही जिसके जैसे 4 क्यूब बनाने से पहले था, लेकिन अभी सॉल्व करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेंगे। सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। अभी सिमिलरली हम और भी कलर्स के क्यूब बनाते हैं जल्दी से। ये कि कलर का बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि सभी कलर के पीसेस सेपरेट करके सभी जो भी पीस हाथ में आएगा उस कलर का पीस बना के हम पहले असेंबल कर लेंगे, उसके बाद अलग से हम क्यूब को बनाएंगे। अभी सभी हमारे जो पीसेस है मैंने असेंबल कर दिया अलग से। अब बस क्यूब बनाना है इनका, 4 ही बचे। जल्दी से इनको करते हैं असेंबल।
और यहाँ हमारे सभी जो और ये हमारे सभी फोर्स क्यूब बन चुके हैं। ये तो बिल्कुल पिंक लग रहा है मुझे, कैमरे पे और भी ज़्यादा पिंक लग रहा है, मतलब इसमें रेड शेड है ही नहीं, पिंक ही शेड है, जबकि जब क्यूब असेंबल था तब रेड लग रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन अभी थोड़ा भी नहीं लग रहा। तो इनका पर्पज़ क्या है, मतलब मैंने क्यूब बनाया है बस ऐसे ही बनाया, कमेंट में किसी ने बोल दिया फोर्स क्यूब बनाओ तो बना दिए, और इनका भी शायद से करूँगा गिव अवे जब हमारे 200 के कम्प्लीट हो जाएंगे सब्सक्राइबर, तब शायद से इन सभी क्यूब का मैं गिव अवे करूँगा, हर एक बंदे को एक एक दे दूँगा। और अभी कंपेयर करते हैं हमारे शाइनी क्यूब से, तो देखते हैं कि वाइट के लिए कौन सा सही रहेगा, ये वाला, देन ग्रीन के लिए ये वाला है, ऑरेंज के लिए ये वाला है, ब्लू के लिए ये वाला, कि इसको उल्टा रखा है मैंने, देन रेड के लिए ये वाला और येलो के लिए ये वाला, तो कुछ इस तरीके से हमने रखे हैं। अभी एक लाइन में रखने की कोशिश करते हैं। तो इनमें से कौन सा शाइनी क्यूब आपको पसंद आया और कौन सा नॉर्मल फोर्स क्यूब आपको पसंद आया वो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।